नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। लगभग सभी सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा, सिर्फ 2 दिन रुकिए, 57 का एग्जिट पोल आंकड़ा पलटकर 75 का हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है, जिसे आप मतगणना के दिन यानी 3 दिसंबर को देखेंगे। कितने मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल का साइज सीमित होता है, बीजेपी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। मैं पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, हर विधानसभा में गया हूं और लोगों से बातचीत भी हुई है मेरी। उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है, और कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, हर वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि बता सके, और इसलिए 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस गदगद है, प्रफुल्लित है, और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक इन नतीजों के आधार पर छत्तीसगढ़ के साथ ही एमपी और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार के आने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अब भी 75 पार की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम भी 52 से 55 सीट पर जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे और कांग्रेस के दावे 3 दिसंबर को क्या तस्दीक करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। गुरुवार शाम एग्जिट पोल जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। उन्होंने कहा कि गहलोत जी यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई काम किए हैं। वहां वसुंधरा जी यानी वसुंधरा राजे को आगे ना करके गहलोत जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। टीएस सिंहदेव से जब ये पूछा गया कि क्या इस बार टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका जवाब था, हाई कमान जिसे कहेंगे, हमने आपस में सभी राज्य नेताओं के साथ बातचीत की है, सभी की यही राय है कि जो हाई कमान निर्णय लेगा उस पर अमल किया जाएगा। वहीं एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तो सभी आंकड़े एक समान होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। बघेल ने एग्जिट पोल पर कहा कि अभी 6 से 7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आंकड़े एक समान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। वहीं उन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर कहा कि ये तैयारी उन्हें नहीं करनी चाहिए और ऐसा नहीं कर पाएंगे। कितने एग्जिट पोल हुए? एग्जिट पोल आपने नहीं, टोटल एक, मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे।
तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। दूसरे एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरगुजा और बस्तर की सीटों पर जिस प्रकार से गैप हो रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए 52 से 55 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के 75 वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 40 से 50 दिखाया जा रहा है, लेकिन जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे उसमें वो 35 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीत कर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आए हैं कि टक्कर कांटे की है और अगर कम सीटों का फासला हुआ तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन कर सकती है। ये डर कांग्रेस को भी सताने लगा है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर के नतीजों में बाजी कौन मारता है। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो वहीं एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा भाजपा 52 से 55 सीटों पर भाजपा बढ़त लेकर सरकार बनाएगी। 75 पार वाले 40 तक पहुंच गए हैं। 2-3 सर्वे में उन्हें 40 तक दिखाया जा रहा है, लेकिन वे 75 पार कह रहे थे, अब 40 पर आकर रुक गए हैं। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें 40 से भी नीचे जाने वाली है कांग्रेस। जीत जाएगी, जो गैप दिखाया जा रहा है वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, पर कहां 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। अरे भाई, 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है, तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया वोटों का परसेंटेज। भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे, मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा के
जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि रायपुर में एग्जिट पोल आने के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 6 विधानसभाओं के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। बीजेपी ने चुनाव अभियान में मुद्दों को इंगित किया था। 15 से 46 पहुंचने की कल्पना एग्जिट पोल में दिख रही है, तो वहीं बीजेपी 48 और 40 पर नहीं रुकेगी। 52 से 70 माना जा रहा है कि बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। 52 से 55 सीटों पर बढ़त लेकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 75 पार के नारे पर तंज कसा है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जिस बात का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, पर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 2 दिन रुकिए, सबके आंकड़े एक समान हो जाएंगे। 57 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं हम, हमारी सरकार बन रही है, भाजपा का कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। तो वहीं विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने और ऑपरेशन लोटस पर भूपेश बघेल ने कहा, विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वह नहीं कर पाएंगे। हम पूरी बहुमत से आएंगे, हमें अपने मेहनत पर विश्वास है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। सात एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। खबर रायपुर से है। एग्जिट पोल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है। मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया हूं, जनता से संवाद किया हूं, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है मैंने एक एक करके। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब भाजपा की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था। कोरबा जिले में 74% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनके निर्णय के आधार पर जिले की 4 विधानसभा सीट पर विधायक चुने जाएंगे और इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा, जिसको लेकर आईटी कॉलेज परिसर में मतगणना कराने के लिए तैयारी की जा रही है। पुलिस ने यहां पर 3 परत में सुरक्षा घेरा मजबूत तय किया है। जिले में औसत 74% मतदान संपन्न होने के बाद 1081 पोलिंग बूथ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। वहीं एसएसपी ने बताया कि बाहरी हिस्से पर बीएसएफ को लगाया गया है, जबकि अंदर के हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था का काम छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स और जिला बल की ड्यूटी होगी। किसी भी कारण से मतगणना स्थल के आसपास की व्यवस्था पर परेशानी न होने पाए, इस बात को ध्यान में रखने के लिए साथ झगराहा से नकटी खार तक के रास्ते पर किसी भी तरह के वाहनों की पहुंच नहीं हो सकेगी। साथ ही इस दौरान रास्ते को डायवर्ट भी किया जाएगा।
शांतिपूर्वक मतदान कराना और शांतिपूर्वक मतगणना संचालित कराना ये हमारे पार्ट से रहता है। सुरक्षा व्यवस्था और मार्ग और ट्रैफिक की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी रहती है। इसमें अभी भी स्ट्रांग रूम में BSF की एक कंपनी पूरी लगी हुई है जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। मतगणना के दिन भी हमारी व्यवस्था इसमें अलग तरीके से रहेगी और इसको हम तीन से चार लेयर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहला तो हैवी ट्रैफिक के डाइवर्शन का प्रयास किया जाएगा, दूसरा जो मतगणना स्थल है वहाँ पे भी जो नॉर्म्स है जो नियम के तहत जिसमें बताया गया है कि कितने मीटर के पश्चात में कोई गाड़ी या वाहन बिना परमिशन के अंदर ना जाए उसकी भी तैयारी की जा रही है। साथ में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पे भी उस दिन पुलिस व्यवस्था रहेगी, पेट्रोलिंग पार्टी अतिरिक्त रूप से रहेगी। खबर जगदलपुर से है जहां PCC चीफ और सांसद बस्तर दीपक बैज ने बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सहित बूथ सेक्टर जोन प्रभारी की संभाग मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक ली। PCC चीफ श्री दीपक बैज ने इस बैठक में उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों से चर्चा कर 3 दिसंबर की मतगणना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर जगदलपुर से है जहां धान उपार्जन केंद्रों में सतत निरीक्षण पर्यवेक्षण किए जाने एवं धान उपार्जन केंद्रों में सुचारू व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट श्री विजय दयाराम के ने जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारी के रूप में लगाई। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में 79 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की कार्रवाई की जा रही है। नोडल अधिकारी को उन्हें आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीद केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। केंद्र की समस्त दस्तावेजों का विधिवत संधारण और निर्धारण, गुणवत्ता युक्त धान की खरीदी सुनिश्चित कराना है। खबर कोरबा से है जहां SECL कुसमुंडा खदान में फिर एक मशीन जलकर खाक हो गई। सुरक्षा पखवाड़े के बीच मशीन जलने की दूसरी घटना CCL के कुसमुंडा खदान में सरफेस माइनर, जिसे कोयल कटिंग मशीन भी कहा जाता है, उसमें भीषण आग लग गई। मशीन को ऑपरेट कर रहे ऑपरेटर भी घटना के कारण से अनजान है। अभी उसने किसी तरह मशीन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना के बाद घटनास्थल पर दमकल पहुंची, लेकिन तब तक मशीन आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। आपको बता दें कि मशीन जलने की 20 दिन के अंदर यह चौथी घटना है। इसको लेकर यूनियन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को पत्र लिखकर जाँच की मांग की। खबर कांकेर से है जहां नक्सलियों ने बैनर लगाकर 2 से 8 दिसंबर तक ग्रामीणों से वर्षगांठ मनाने की अपील की। वहीं जनकपुर के चौक में भारी मात्रा में बैनर व पर्चे फेंके गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर व पर्चे जब्त किए। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बांदे थाने के जनकपुर के पास बैनर लगाया। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि जगदलपुर जिले के बोधघाट पुलिस ने चावल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीनदयाल उपाध्याय वार्ड जगदलपुर थाना बोधघाट में रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत कुछ दिनों से उसके राइस मिल में रखे चावल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा है, जिस पर अपने स्टाफ हमाल से पूछताछ किए बिना कोई पता नहीं चल रहा है। चावल मिल से चोरी हुए 10 क्विंटल चावल के साथ चोरी के आरोपी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई उपरांत न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। खबर जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में 20 धान उपार्जन के 2 के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। दरअसल मतदान के बाद धान की खरीद ने जोर पकड़ लिया है, जिसके तहत खरीदी केंद्रों में 14,000 क्विंटल से भी अधिक की खरीदी हो चुकी है।
धान उपार्जन केंद्र मेदुका की अगर बात करें तो यहां एक भी बार धान का उठाव नहीं हुआ है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में और अधिक धान की खरीदी होने पर धान के रखरखाव की व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है। प्रबंधक के अनुसार केवल इस हफ्ते की खरीदी के लिए बारदाने बचे हुए हैं। भिलाई के जोनल मार्केट में एक युवक के दुकान और मकान में आग लग गई। बता दें कि आग लगने से घर के दीवान में रखे लाखों रुपए के नोट चलकर खाक हो गए, तो वहीं किसी प्रकार का कोई जान माल के नुकसान की खबर निकलकर नहीं आई। पावर स्टेशन स्टीम बॉयलर में आग लग गई थी। आपको बता दें कि आग लगने से पावर स्टेशन की केबल जल गई थी, तो वहीं सूचना मिलने के तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। गौरेला पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी से एक देसी कट्टा, चार कारतूस, एक बटनदार चाकू और एक बाइक जब्त की है, तो वहीं दोनों आरोपी पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में कठौतिया तिराहा से पीडब्ल्यूडी तिराहा तक भारी वाहनों और अन्य वाहनों के लिए मार्ग प्रतिबंधित किया गया। बता दें कि 3 दिसंबर को विधानसभा निर्वाचन मतगणना होने के कारण सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों के लिए मार्ग प्रतिबंधित किया गया है। मनेंद्रगढ़ में छात्र छात्राओं ने एड्स डे पर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। बता दें कि मनेंद्रगढ़ में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, ताकि 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर विचार किया जा सके। साथ ही सभी को संयुक्त रूप से प्रयासों को दोगुना करने के लिए एकजुट किया जा सके, ताकि सफलता सुनिश्चित की जाए। तो वहीं इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आईसीटीसी काउंसलर निशा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एचआईवी और इम्यूनो डिफेंसियस वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला कर सकता है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।